हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज के एपिसोड में इन दिस मेघालय सीरीज वी आर गोइंग टू बांग्लादेश। या यू हर्ड इट राइट, मेघालय से सीधा बांग्लादेश। कैसे? लेट्स गो एंड फाइंड आउट। फॉर दैट, इफ यू हैवंट सीन द पास्ट एपिसोड्स, देयर सो मच फन, गो हैव अ लुक। आज के सफर में हम जा रहे हैं जोवाई से डॉकी, और सबसे पहले आई केम टू दिस गॉर्जियस वॉटरफॉल क्रांगसुरी। आप यहाँ पे आके एकदम लॉस्ट होने वाले हैं। दिस प्लेस इज अमेजिंग, दिस इज अ मस्ट विजिट वॉटरफॉल इन मेघालय। सो यू जस्ट सॉ, यहाँ से ना ज़िपलाइन भी है। इफ यू वांट टू गो, ये पूरा ज़िपलाइन यहाँ से विल टेक यू टिल देयर नेक्स्ट टू द फॉल्स, एंड वहाँ से फिर आप वहाँ तक जा सकते हैं। इट लुक्स रियली रियली इंटरेस्टिंग, बट लेट्स सी हाउ मच इट कॉस्ट। आई एम नॉट रियली श्योर, बट आई हैव टू आस्क। ये ज़िपलाइन का क्या कॉस्ट है भैया? 300। सो वो बिल्कुल फॉल के साइड पे जाएगा ना वहाँ से, एंड फिर देन यू कैन वॉक वहाँ से ना। हाँ, सो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 300 रुपीज़। यहाँ से वो बिल्कुल फॉल के साइड में ही है। Unfortunately, इस जर्नी की काफ़ी फुटेजेस आई हैव लॉस्ट। सो द नेक्स्ट डेस्टिनेशन शिनॉक पडेंग विल बी शोन ब्रीफली, बट ये छोटा सा विलेज राइट नेक्स्ट टू उमगॉट रिवर विल जस्ट सरप्राइज यू। यू कैन ऑप्ट टू स्टे हेयर फॉर अ नाइट और टू, काफ़ी होम स्टेज के ऑप्शन हैं यहाँ। एंड यू कैन कैंप हेयर जस्ट नेक्स्ट टू उमगॉट रिवर। दिस इज द क्लीनेस्ट रिवर यू एवर सी इन योर लाइफ। There are a lot of adventure activities like scuba, kayak, zipline, hike to the jungle, cliff jumps that you can do here. And now we came to our final destination, that is Doki, एक छोटा सा गांव जो बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल पास है, इन फैक्ट लगा ही हुआ है, एंड देन इट्स नेक्स्ट टू दैट सेम उमगॉट रिवर। जस्ट बिफोर रीचिंग डॉकी फॉर अराउंड 2-3 kilometers, यू विल सी अ लाइन ऑफ दिस ट्रक्स विद स्टोन्स ऑन देम दैट आर टेकिंग देम फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश। सो दे आर वेटिंग देयर फॉर देयर टर्न। सो उसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक होता है एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू ड्राइव ऑल्सो। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट। सो फाइनली टू द मच टॉक्ड अबाउट डेस्टिनेशन इन मेघालय, डॉकी। सो फाइनली रीच्ड हियर फ्रॉम शिनॉक पडेंग। सो बिफोर दैट आई वॉज देयर, एंड देर इज़ अ लॉट मोर क्राउड हियर देन शिनॉक पडेंग। द रिवर इज़ सेम, यहाँ पे भी सेम उमगॉट रिवर ही है। यही उमगॉट रिवर शिनॉक पडेंग में भी आपको मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा वाटर बिल्कुल क्लियर है। शिनॉक पडेंग का एक चीज़ बेटर मेरे को लग रहा है, अभी तो आई हैव नॉट एंटर्ड इनटू वाटर, लेकिन वहाँ पे लोग काफ़ी कम आपको मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है कंपेयर टू शिनॉक पडेंग, बिकॉज दिस इज़ अ फेमस डेस्टिनेशन। तो डॉकी में यहाँ पे आपको क्राउड ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू दैट प्लेस। तो बोथ भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, एंड देन पीपल आर अ लॉट। सो एंड इफ यू सी दैट इज बांग्लादेश फॉर यू।
घंटा 1 hour 1200 क्या यू आर क्लीन वाटर देन रॉक आइलैंड यू आर स्टॉप 15-20 मिनट्स देन कम बैक गोइंग टू बांग्लादेश जीरो पॉइंट एंड कम हियर कंप्लीटली So it will cost you 1200 for an hour because there are like 3-4 things included in that. And you can take in half an hour also. Half an hour. आधे घंटे का कितना? आधे घंटा 700. Only small room. आधे घंटे का 700 रुपए है. वो थोड़ा यहाँ river तक they'll take you. Main spot नहीं जाएगा. हाँ main spots नहीं जाते. और ये से ये सामने that is the border. तो obviously border पे you can't get down but yeah you'll go till there in this 1200 bucks. आप बैठो सेंटर से बैठ इस पे यार बड़ा हो गया जो बोला डाकी दे बड़ा देखिए तो भी गांव का नाम है हां ब्रिज से पार करके सामने डाकी ब्रिज ये सामने देखो ब्रिज ये 1931 का ब्रिज है बिफोर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इट इज कॉल्ड हैंगिंग ब्रिज विद अ पिलर ना हां 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 ये कम से कम 90 साल से भी ज्यादा पुराना है 90 प्लस सब लोग बोला ये बिना रिश्वत का ब्रिज है इसलिए अभी तक खड़ा नहीं तो कब का पानी नहीं गिरे ये जो बोतल वाला पानी में दिख रहा है मैडम ये सब फिशिंग बोतल है फिशिंग मतलब बहुत सारा तरीका है ना चारों तरफ पहाड़ दिख रहा है ये स्टेट एक ही मेघालय बट डिस्ट्रिक्ट अलग है नदी के उस तरफ राइट साइड मेरा राइट साइड मतलब जायंट हिल डिस्ट्रिक्ट है और दिस साइड खासी हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय मतलब सिर्फ ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट है इससे ज़्यादा नहीं तीसरी गारो हिल गारो तक गुवाहाटी से जाना पड़ेगा ना और ये बीच में ये रिवर जाता है ये रिवर मीन्स समुंदर तक जाता है बे ऑफ बंगाल यहाँ से बांग्लादेश के बाद समुंदर बे ऑफ बंगाल ना ये रिवर मतलब काफ़ी दूर से तो आता है झरना का पानी है ये एक सोर्स है ना मैडम झरना का पानी वाटरफॉल तो बेसिकली वो जो ब्रिज है पीछे वो दो डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रहा है ये जयंती हिल्स एंड खासी हिल्स ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को वो ज्वाइन करता है इस तरफ से भी यू कैन गो बैक टू शिलोंग दिस साइड आल्सो यू कैन गो बैक टू शिलोंग बट खासी हिल्स से विल टेक लेस टाइम तो यार आइकॉनिक प्लेस ग्रेट स्टोरीज एंड ब्यूटिफुल यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा वो बनाया हुआ है ये स्टॉप द वाटर और उसके नीचे अंदर दे आर फ्रीजिंग द बॉटल्स नेचुरल फ्रीजर इट इज बॉटल ठंडा करने का ऑसम तरीका है ये एंड देयर इज अ स्मॉल रैपिड ओवर देयर मानसून के टाइम पे जब ज़्यादा बारिश रहती है यहाँ पे तो ये जितना भी ये पीछे वाला एरिया है ये जितना भी अभी नॉर्मल पेबल्स वाला एरिया है यहाँ तक भी पूरा पानी भर जाता है और ये बोटिंग जो है वो नहीं होती है फिर यहाँ पे क्योंकि ये जितने भी ये सारे बोट्स हैं यहाँ पे वो मैनुअल बोट्स हैं तो उस टाइम पे अगर पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहेगा तो देयर विल बी नो बोटिंग for you so you can come to Dauki you can see the border but there will not be any boating for you parish nahi hua hai for a week or something to boating ho sakta hai lekin otherwise it's not happening kyunki pani ka flow kafi zyada ho jata hai abhi is time pe I think mere hisab se to jitna maine dekha hai Meghalaya visit karne ka best time is November आपको वाटरफॉल्स थोड़े कम फ्लो में दिखेंगे बट एवरीथिंग एल्स लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लाइक बेदिंग इन द पूल्स नेचुरल पूल्स गोइंग अराउंड सब बहुत ईजी हो जाता है फॉर यू क्योंकि बारिश नहीं है और द व्यूज़ आर ब्यूटिफुल वाटर इज़ क्लियर सो आई एम हैविंग अ टाइम ऑफ माई लाइफ हियर इन मेघालय
ये बोटिंग यहाँ से शुरू 5-6 साल पहले पहले नहीं होता था यहाँ में, बोटिंग नहीं था मेरा, मतलब सिर्फ लोकल लोग तो होता है ना, टूरिस्ट वाला नहीं था, पहले में हम भी शिलोंग में काम करते हैं फैब्रिकेशन वेल्डिंग ना, जहाँ काम मिलेगा वहाँ पे जाएगा ना, लेकिन अभी जाने की जरूरत नहीं, ये काफी है। मतलब हमारा गांव में भी बहुत सा, हमारा भी तो जमीन है वगैरह वगैरह, अगर आप लोग अप्रैल में हमारे गांव में आएगा ना, हमारा गाँव तो पूरा लाल हो गया लीची की वजह से ना, लीची अच्छा लीची वहाँ पे आपके वहाँ पे उगता है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, बराबर है, ये जो पपाया बनाना जैक फ्रूट बहुत है, ऑरेंज और चाय का फेमस है। हाँ मैंने रास्ते में देखा था, लोग बेच रहे थे ना, खाया था मैंने। फिशिंग सीजन हम लोग मछली पकड़ता है, विंटर सीजन हम लोग बोट चलाता है। जैसे कि इट्स ऑलमोस्ट सनसेट, let's go to the border and talk to some Bangladeshi people. ये भी बांग्लादेश का आदमी है। एकदम को दे दो भाई। हां। आज का मालूम बिजी ना बांग्ला। ओए। कल के आज के देखिए बड़ा टेस्ट करो। आईसी पे सादा स्वीट बेर इमली का अचार, स्पाइसी बेर इमली का अचार, लोकल फूड खट्टा मीठा बेर, सादा स्वीट बेर बिना मसाला, और सिंगल इमली का अचार। एक देखो वन पीस ले लो, कोई बात नहीं, तीनों मिल के एक सेट होता है ऐसा डब्बा, बांग्लादेश का लोकल फूड भी अच्छा लगेगा। यू कैन बाय दीज बेरीज फ्रॉम हियर, स्पाइसी नाइस, सम आर स्पाइसी सम आर ब्लैंड, रियली नाइस। फ्रॉम द बॉर्डर आई गॉट दिस ब्यूटिफुल बांग्लादेश करेंसी, दिस इज 10 रुपीज, आई जस्ट एक्सचेंज्ड इट फ्रॉम अ गाय, and that is the border for you. For some more tales, new destinations and a lot more adventure, please 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 do like, share and subscribe to my channel. Till then, take care and it's a bye for now.